खबर ग्वालियर जिले से है, जहां गर्मी बढ़ने के साथ साथ शहर में जल संकट गहराता जा रहा है। बता दें कि जिले की लाइफलाइन तिगरा में पानी कम होने के कारण शहर के सभी हिस्सों में रोजाना तिगरा जलाशय का मीठा पानी नहीं पहुंच पा रहा है। इसी वजह से लोगों में आक्रोश बढ़ता देखा जा रहा है। बढ़ते आक्रोश के चलते इलाके के लोगों ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के घर के पास पेयजल समस्या को लेकर चक्का जाम किया। इस दौरान इलाके के लोगों ने बताया कि अमृत योजना के तहत पाइपलाइन बिछाई जाने के बावजूद उनके घरों तक मीठा पानी नहीं पहुंच रहा है और जो पानी पहुंच रहा है वह पानी पीने के लायक नहीं है, जिसके चलते लोग बीमार हो रहे हैं। करीबन 2 घंटे चले चक्का जाम के बाद यहां पुलिस और प्रशासन के लोग भी मौके पर पहुंचे और चक्का जाम कर रहे लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। संकट है, पर संकट को दूर करने के लिए हम शासन स्तर पर पूरा कार्रवाई कर रहे हैं और लोगों को पानी मुहैया कराएंगे। कई जगह गंदा पानी आ रहा है, कई जगह पानी निश्चित रूप से ऐसी समस्या होगी, उसकी समीक्षा भी की जाएगी और उसका समाधान भी किया जाएगा। हाँ, थाना ग्वालियर और हाजीरा क्षेत्र की कुछ महिलाओं द्वारा पानी की समस्या को लेकर अपनी बात कही गई थी। नगर निगम एडिशनल कमिश्नर साहब आए थे, उन्होंने उनकी समस्या का निवारण के आश्वासन दिया है। पानी का उनको समस्या थी, वाटर सप्लाई की, गर्मियों में पानी कम मिल रहा है, इस बात को लेकर उनमें आक्रोश था। जो अभी ये चक्का जाम किया गया था, उनका मांग ये थी कि उनको जो पानी प्रदाय किया जा रहा है, जल प्रदाय किया जा रहा है, वो बोरिंग के पानी का जल प्रदाय किया जा रहा है, उसकी जगह उनको मोती झील से जो हमारा फिल्टर्ड प्लांट है उसके द्वारा जो पानी आता है उसकी मांग की गई थी। तो बेसिकली अभी उनको यही समझाया गया है कि अभी हमारे पास पानी की मात्रा कम है, तो भी कुछ समय तक समस्या आएगी, परेशानी आएगी। जैसे ही बारिश आएगी उनको भी फिल्टर्ड जो मोती झील का पानी है, जो मीठा पानी के नाम से योजना भी डाली गई है, पानी तो आ रहा है, पानी की कोई बात नहीं है, प्रश्न ये पाइपलाइन डली है, पानी भी है, सब कुछ है। अमृत योजना में पाइपलाइन डाली गई है, लेकिन हमारे पास अभी क्या कहते हैं, जहाँ हमारा सोर्स है वहाँ पानी नहीं है, पानी कम बचा हुआ है, तो कम मात्रा में पानी आ रहा है, उसी हिसाब से हम पूरे शहर को पानी की सप्लाई कर रहे हैं। सर, तो महिलाएं 3 महीने से ही परेशान है और पानी समस्या नहीं, तो पानी की समस्या नहीं है, वो सभी आप लोगों ने उनसे बात की होगी, पानी की कोई समस्या नहीं है, पानी उनको भी मिल रहा है, लेकिन उनको जो है बोर लगे हुए हैं उससे पानी मिल रहा है, नहीं ऐसी कोई समस्या उन्होंने नहीं बताई गई, ऐसी कोई बात भी नहीं की है उन्होंने, किसी ने भी ऐसी बात नहीं की। अन्य वार्डों में नलकूप खराब पड़े हुए हैं, जिनको जहाँ नलकूप खराब होता है तत्काल सुधारने की कार्रवाई की जाती है, हमारा एक टेंडर है, हमारा एक वेंडर है, वो तत्काल 24 घंटे के अंदर उन नलकूपों को सही करता है।